गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी धमाकेदार सीरीज के बारे में जो कि 2023 में आई थी और काफ़ी फेमस भी हुई थी, और इसके कुछ पार्ट्स हमें जनवरी 2024 में देखने को मिले थे। अब आप गेस कर लीजिए कि मैं किस के ड्रामा सीरीज की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ ग्यूंगसोंग हॉस्पिटल के बारे में, जिसका सीजन 2 27 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाला है। इसे गूगल पे आप ग्यूंगसोंग अगर क्रिएचर भी डालते हैं तो आपको यह मिल जाएगी। इसके साथ ही अगर आपने इसका सीजन 1 देखा होगा तो आपने जाना होगा कि इस सीरीज में क्या है। तो अगर कुछ लोगों ने अगर यह सीरीज नहीं देखी है तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि सीरीज में आखिर क्या था। तो सीज़न 1 में हम जो मेन कैरेक्टर हैं उसमें लेडी मैदा, चियोक और जांग ते सांग है, और इसके साथ ही इसमें कई कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके शुरुआत में हम देखते हैं कि जांग ते सांग है वो एक रिच मैन है जो कि एक ऐसा व्यापारी है जो लोगों के कीमती सामान को लेकर उसके बदले उनको पैसे देता है। फिर इधर हम देखते हैं कि जो वहाँ के जनरल इशिकावा हैं वो उसकी शॉप को बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो जाकर जनरल से बात करता है तो जनरल कहते हैं कि मैं तुम्हारी शॉप को बंद नहीं करूँगा अगर तुम एक इंसान को ढूंढोगे। वो कहता है कि वो म्योंगजा को ढूंढे उस हॉस्पिटल में। फिर इधर हम देखते हैं कि जांग ते सांग उस लड़की को ढूंढने के लिए कुछ लोगों को बुलाता है, जिसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम चियोक होता है और उसके फादर होते हैं जो म्योंगजा को ढूंढने में उसकी हेल्प करते हैं। इधर जो चियोक और उसके फादर हैं वो भी एक पेंटर को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उस पेंटर ने उसकी माँ की ड्राइंग बनाई थी और उसकी माँ कई सालों से लापता थी। इधर वो दोनों एक दूसरे से डील करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। इधर जो ग्यूंगसोंग हॉस्पिटल है वहाँ तक कुछ तो उसमें गड़बड़ चल रही थी। वहाँ पे जो एक साइंटिस्ट रहता है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, वो एक ऐसे क्रिएचर का निर्माण कर रहा था जिससे वो सारी दुनिया पे कब्जा कर सके, लड़ाई में उसका सहारा ले सके। फिर इधर हम एक ऐसे इतनी भयानक क्रिएचर को देखते हैं जो लोगों को बहुत तेजी से मारती है। उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं जिससे वो लोगों को मार रही होती है, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि साइंटिस्ट उसे काबू करने की कोशिश करता है ताकि उसे लड़ाई में यूज़ किया जा सके। फिर इधर हम देखते हैं कि जो जांग ते सांग होता है उसे म्योंजा भी मिल जाती है, और उसे जो लड़की रहती है चियोक उसे उस पेंटर भी मिल जाता है। फिर इधर हम देखते हैं कि वो उन लोगों को बाहर निकालने में उसकी मदद करता है। फिर इधर हम देखते हैं कि ऐसे ही धीरे धीरे करके उसको उसकी माँ भी मिल जाती है। फिर उसके बाद जब अपने माँ को इस रूप में देखती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, और उसके बाद ये होता है कि जो साइंटिस्ट होता है वो उस लड़की को उसकी माँ के पास ही फेंक देता है ताकि वो उसे खा ले। लेकिन जैसे ही चियोक माँ कहती है, वो जो मॉन्स्टर रहती है वो अपनी बेटी को पहचान लेती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। ये देख के साइंटिस्ट बहुत खुश होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो उसकी माँ होती है, जो मॉन्स्टर होती है, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए बहुत कोशिशें करती है और लड़ाई भी करती है। इधर हम देखते हैं कि लड़ाई में जो चियोक के फादर हैं वो मारे जाते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जो जांग ते सांग है वो म्योंगजा को और बाकी कई लोगों को, और इसके साथ ही वहाँ पर जो चियोक होते हैं उन सबको बाहर निकाल देता है और खुद वहीं पर वो फंस जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर लेडी हैं और सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसे क्या हो गया। इसके बाद वो लेडी मैदा के ऊपर गन तानता है और उन्हें सारी बात बताता है। इसके साथ वो गाड़ी में उनके साथ चला आता है। इधर जो लेडी मैदा है वो जांग ते सांग की देखभाल करती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करती है। इसके बाद वो उसके घर आती है और उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो उनके उसको ठुकरा देता है कि उन्हें पसंद नहीं करता है। इसके बाद वो उन्हें धमकी देती है कि वो उनके शॉप को और उनके लोगों को वो बर्बाद कर देंगी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उसके शॉप पर काम कर रही एक लेडी होती है, उसकी शॉप पे जो एक और आदमी काम कर रहा होता है वो उसे गिरफ्तार करवा देती है और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जो वो मॉन्स्टर जिसे लगता है वो मर चुकी है लेकिन वो अब भी जिंदा होती है और अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इधर बढ़ती है। इधर हम देखते हैं कि जांग ते सांग और चियोक वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही लेडी मैदा कुछ लोगों को लाके उन्हें मारने के लिए भेजती हैं। फिर इधर हम देखते हैं
कि वो जो लोग उन्हें मारने के लिए आए होते हैं वो चियोक और जंग तेसांग को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। फिर इधर जो मॉन्स्टर होती है वो भी वहां पर पहुंच जाती है और सभी को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही जंग तेसांग को मारने वाली होती है, बीच में चियोक आ जाती है और उसके मॉम के मॉन्स्टर की जो टेंटिकल्स हैं वो चियोक के लग जाते हैं और वो वहीं पर मर जाती है। लेकिन हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो मर गई है। इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि जो सियोल सिटी थी जो कि जापान के कब्जे में थी, अब वो आज़ाद हो चुकी थी। सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर इधर हम देखते हैं कि उसकी माँ जो मॉन्स्टर रहती है और चिया को एक नदी के अंदर दिखाया जाता है जो कि डूब रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के मुंह से एक जीवाणु या कहें तो वायरस निकलता है जो कि चिया के मुंह में चला जाता है और यहीं पर इस सीज़न का एंड हो जाता है। तो इस कहानी से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें सीज़न 2 में क्या देखने को मिलने वाला है। तो सीजन 2 में कई सारी चीजें हो सकती हैं। पहली चीज यह कि सीजन 2 में हमें यह दिखाया जा सकता है कि अब चियोक एक मॉन्स्टर के रूप में हमें दिखाया जाएगा। इसके साथ ही हम मॉन्स्टर के रूप में एक और इंसान को देख सकते हैं। आपने अगर ये सीरीज देखी होगी तो आपने ये देखा होगा कि जो म्यूंजा रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है और म्यूंजा एक पानी को पी लेती है जिसके अंदर वो वायरस होता है और वो भी इन्फेक्ट हो जाती है। और उसके बाद जब वो फिर से उस हॉस्पिटल में किसी तरह से पहुंचती है तो जो साइंटिस्ट होता है वो उस बच्चे को वहां से निकालता है उसके पेट से और उसके बाद वो उस बच्चे को कहता है कि कितना खूबसूरत है। तो अब अगर उसकी माँ भी इन्फेक्टेड थी तो कहीं ना कहीं वो उस बच्चे के अंदर भी वो मॉन्स्टर ज़रूर होगा। तो हो सकता है हमें सीजन 2 में ये दिखाया जाए कि कैसे वो बच्चा मॉन्स्टर बनता है, क्योंकि वो बचपन से ही मॉन्स्टर है तो हो सकता है वो एक अलग तरह का मॉन्स्टर बन जाए। इस तरह से हमें दो मॉन्स्टर उसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमें देखना यही है कि कौन बनता है। हो सकता है वो लड़की बने या फिर वो बच्चा बने, या फिर तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि शुरुआत में चियोक ने एक ऐसे जगह की बात की थी, एक ऐसे गांव की बात की थी जहां पर एक ऐसी ही लैब या ह्योंगसंग हॉस्पिटल जैसी एक लैब होती है जहां पे कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे उन्हें एक नए क्रिएचर में डेवलप करने के लिए। तो जिसे बताते हैं कि वहाँ पे पहले उसकी माँ फंसी हुई थी, तो वहाँ पे उसे जब उसे चेक करते हैं तो उसे उसकी माँ नहीं मिलती है। तो ऐसा हो सकता है कि उस जगह पर वो साइंटिस्ट फिर से क्रिएचर बनाने की कोशिश करे। तो इस सीज़न में ऐसी तीन ही चीज़ें हो सकती जो हमें सीज़न 2 में दिखाया जा सकता है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वैसे भी जल्द ही ये सीरीज़ आने वाली है तो इस सीरीज़ में आखिर होगा क्या आपको पता चल जाएगा। और अगर आप इस सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसके सभी पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।